Hello everyone, welcome or welcome back to our channel. Hope you are all doing well. today we are delving into the world of antibiotics focusing on one of the most commonly used and versatile ones tetracycline. So what are tetracyclines? Tetracycline, broad spectrum antibiotics jokey 1940s may discover and they have played an important role in modern medicine. सो so, आज की वीडियो में वी विल कवर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेट्रासाइक्लिन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लिनिकल एप्लीकेशंस, एडवर्स इफेक्ट्स और थेरेपिटिक कंसिडरेशन्स सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन द डिस्कशन तो टेट्रा की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करते हैं बैक्टीरिया का जिससे उनकी एक्टिविटी इनिबिट हो जाती है क्लिनिकल एप्लीकेशंस में ये वेरियस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज होते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स इनके साइड इफ़ेक्ट्स में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनर डिस्टर्बेंस जैसे नोजिया वॉमिटिंग जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं थेरापिटिक कंसिड्रेशन में बात की जाए तो प्रॉपर डोजिंग और मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वेन यू आर प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन फॉर ऑप्टिमल एफिकेसी अब हम इन सारे पॉइंट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे फर्स्ट फार्माकोलॉजी ऑफ टेट्रासाइक्लिन। इनके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्रा बिलोंग टू टेट्रासाइक्लिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन नाम से ही पता चल रहा है चार साइकिल सो so, इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है इट कंसिस्ट ऑफ फोर रिंग स्ट्रक्चर्स चार रिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं ये यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्रासाइक्लिन में प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट शो करती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन वेल अब्जॉर्ब्ड होता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ओरल इंटेक करने के विद इन वन टू टू आवर्स टेट्रासाइक्लिन की जो कॉन्सेंट्रेशन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में पीक पे होती हैं ये वेल well डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी में ईजिली पेनिट्रेट करता है स्पाइनल फ्लोइड में और वेरियस टिश्यूज़ में इसके एलिमिनेशन की बात करें तो टेट्रा एलिमिनेट होता है थ्रू किडनीज और इसकी हाफ़ लाइफ होती है सिक्स टू ट्वेल्व आर्स मैकेजम ऑफ एक्शन टेट्रा बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर के होते हैं यानी कि ये बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करते हैं नाउ वी अंडरस्टैंड कि ये करते कैसे हैं एज यू कैन सी द डाइग्राम इसमें आप देख पा रहे होंगे थर्टी एस करके एक रैबोसोमल यूनिट है जिसमें एक्स मार्क लगा हुआ है एक्स यानी कि यहाँ पे पी साइट और ए साइट है तो ए साइट पे एक बाइंडिंग साइट है जहाँ पे अमीनो एस टी आर एन ए बाइंड करता है जिसकी वजह से इनकी प्रोटीन चेन बनती रहती है बट टेट्रासाइक्लिन लेने की वजह से यहाँ पे जो थर्टी एस पे बाइंडिंग साइट है वो ब्लॉक हो जाती है क्योंकि टेट्रासाइक्लिन आके इससे बाइंड कर लेता है अब अमीनो एसाइल टी आर एन ए इसे बाइंड नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन की जो ग्रोथ है वो ब्लॉक हो जाती है ग्रोथ ब्लॉक होने की वजह से बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट हो जाता है दस बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाता है सो ऑफ एक्शन थ्री स्टेप प्रोसेस है फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन बाइंडिंग थर्टी एस सब यूनिट पर बाइंड करेगा स्पेसिफिकली टारगेट करेगा अमीनो एसिटाइल टी आर एन ए की बाइंडिंग साइट को सेकेंड अमीनो असाइड टी आर एन ए का इनिबिशन अब अटैचमेंट नहीं होएगा राइबोसोमल एक्सेप्टर साइट से तो फिर अमीनो एसाइड टी आर एन ए का इनिबिशन हो जाएगा जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड की चेन ब्लॉक हो जाएगी थर्ड प्रोटीन सिंथेसिस डिस्ट्रप्शन अब बाइंडिंग ही नहीं हुई असाइल टी आर एन ए की टेट्रासाइक्लिन ने डिस्टर्ब कर दी पॉलीपेप्टाइड चेन रुक गई बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस रुक गया जिसकी वजह से बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट आएगा क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वेरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शनस के लिए टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव है जैसे कि निमोनिया ब्रोंकाइटिस साइनसाइटिस में इसे यूज करते हैं सेकेंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शंस के लिए टेट्रासाइक्लिन एक सूटेबल चॉइस है uh, जो भी इन्फेक्शंस ई कोलाई या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं उनमें इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है थर्ड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस स्किन और सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड इन्फेक्शन जैसे कि एक्ने सेल्यूलाइटिस इम्पेटिगो इनके अगेंस्ट भी टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव पाया गया है फोर्थ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस टेट्रासाइक्लिन, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, कोनोरिया जैसे एस टी डीज के केस में भी एज एन इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक रोल प्ले करता है एक्सपैंडिंग क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एक्ने मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाहे वो मॉडरेट एक्ने हो या सीवियर केसेस हो एक्ने के इनका रोल क्या होता है इसमें ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं जिसकी वजह से जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह से जो एक्ने की ग्रोथ होती है उसमें ये एक बहुत ही बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं जिससे ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और एक्ने रिड्यूस करते हैं सेकेंड प्रोफाइल थेरेपी ट्रैवलर्स जो कि एंडेमिक एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं जहाँ कॉलेरा एक्सेट्रा का हाई रिस्क होता है वो टेट्रासाइक्लिन को एज आ प्रोफाइलैक्ट्रिक मेजर यूज़ करते हैं इमर्जिंग रिसर्च एरियाज़ की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन में बहुत पोटेंशियल है नॉट ओनली एज एन एंटीबायोटिक, बायोटिक बट ऑल्सो एज एन एंटी इन्फ्लेट्री एजेंट प्लस इन्हें न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह भी क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ किया जा रहा है फॉर ट्रीटिंग डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसडर्स फ्यूचर डायरेक्शंस की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन में डाइवर्स कैपेबिलिटीज़ हैं एंड ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स आर ऑन गोइंग टू स्टडी इट्स वेरियस पॉसिबिलिटीज साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें अगर टेट्रासाइक्लिन की तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनर डिस्टर्बेंस होता है जिसमें कि नोज़िया वॉमिटिंग डायरिया एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्पेशली अगर आपने टेट्रासाइक्लिन खाली पेट ली है नेक्स्ट फोटोसेंसीटिव एंड स्किन रिएक्शंस पेशेंट्स जो लंबे समय तक टेट्रासाइक्लिन लेते हैं उनमें सनलाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और सनबर्न का रिस्क बढ़ जाता है प्लस अदर फोटोसेंसीटिव रिएक्शंस होने के भी रिस्क होते हैं इसीलिए टेट्रासाइक्लिन जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें प्रॉपर सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीनस सा, और इन सब का यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड हेपेटिक एंड रीनल टॉक्सिसिटी, लीवर फेलियर किडनी फेलियर ये रेयर केसेस हैं साइड इफेक्ट्स के आ, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो बहुत लंबे समय तक टेट्रासाइक्लिन का कंजम्पशन कर रहे हैं उनमें लीवर और किडनी की डिजीज़ देखी गई है बट रेगुलर मॉनिटरिंग से आ, मतलब आप इस डिसऑर्डर को इस साइड इफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं थेरापेटिक कंसिड्रेशन फॉर टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन देते वक्त हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा क्लिनिशियंस पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स का पॉइंट कंसिडर करेंगे पेशेंट की एज प्रेगनेंसी लैक्टेशन कोमोर्बिडिटीज़ इन फैक्टर्स को ध्यान रख के ही टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब होगी प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स में टेट्रासाइक्लिन नहीं दी जाती है सेकेंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पेशेंट को अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस या फिर ऑर्गन टॉक्सिसिटी जैसे कि अभी हमने बात की थी हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सीिटी तो ऐसे केसेस में प्रॉपर मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट है ताकि मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया जा सके और रिस्क को प्रिवेंट कर सकें थर्ड एंटीबायोटिक्स स्टीवर्डशिप टेट्रासाइक्लिन का जो इनटेक होगा उसमें एसेंशियली हमें ध्यान देना होगा ताकि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर सकें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप ना हो इसलिए लॉन्ग टर्म में टेट्रासाइक्लिन नहीं दी जाती है प्लस इसका की इफ़ेक्टिविटी भी ना कम हो बिकॉज इट्स अ वेरी वैल्यूएबल एंटीबायोटिक इन इट्स क्लिनिकल परफॉर्मेंस सो वी शुड टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स वायल यूजिंग टेट्रासाइक्लिन फॉर एंटीबायोटिक परपजेज सो नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो सो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा टेट्रासाइक्लिन की डिस्कवरी नाइनटीन फोटीज़ में हुई थी, ना थी। और इसे मॉडर्न मेडिसिन में यूज़ किया गया था एज अ रेवोल्यूशनरी ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इंफेक्शियस डिजीजेस क्लिनिकल एप्लीकेशंस में भी टेट्रासाइक्लिन का वाइड स्प्रेड यूज़ है जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यूटीआई, स्किन इंफेक्शंस एंड एस टी डीज इमर्जिंग रिसर्च ऑन गोइंग है जिसमें टेट्रासाइक्लिन का यूज़ बियॉन्ड एंटी माइक्रोबियल परपजेज़ देखा जा रहा है एज एन न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट रिस्पॉन्सिबल यूज़ की बात करें तो टेट्रा को हमें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए एज एन एंटीबायोटिक ताकि इसकी असेंशियल uh, जो क्वालिटीज़ हैं वो ना कम हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप ना हो और इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम ना हो Because it's a valuable antibiotic in clinical practice. That's all about tetracycline. Thank you for watching. If you found this video helpful, please don't forget to like, share, and subscribe for more informative content. Until next time, stay healthy and take care.